प्लीज आपको बताया था सिंगल लाइन समझ रहे हैं आपको समझिए आप ही लोग के लिए है आप लोग के लिए सब कोई है ना आगे मत लाइन लाइन में रहिए आगे मत फोटो ले लीजिए। अरे भैया शांति बनाए रखो और लाइन में रहो बस लाइन में आराम से रहिए। अरे चलो भाई इधर हो गया चलो हो गया मन खेली मेली हो शेयर भी किनका कर रखी हेमंत विश्व शर्मा जी का जिकुंडा की धरती पर स्वागत है। हेमंत विश्व शर्मा जी का जिकुंडा की धरती पर स्वागत है। हेमंत विश्व शर्मा जी को आप और नमस्कार देकर स्वागत करें। हम अपने सातों मंडल अध्यक्ष अपने भारतीय जनता पार्टी के सिरसा विधानसभा के अपने सातों मंडल अध्यक्ष तो ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू जी बुलाइए मंडल अध्यक्षों को नीचे में खड़े सातों मंडल अध्यक्ष का आग्रह है कि पांच सारा माला स्वागत करेंगे अपने सातों मंडलाध्यक्ष डब्ल्यू जी देखिए सातों मंडलाध्यक्ष को बुलाइए और माला को लगाइए। देखिए इस त्रिकुंडा के त्रिकुंडा नगर के सिरसा विधानसभा में मानव कल्याण करने भारतीय जनता पार्टी का वे सभी मंडल अध्यक्ष और इसे बड़े मले माला के साथ हम एक बड़ा सा कमल फूल अपने हेमंत विश्व शर्मा जी को भेंट कर रहे हैं कि आज इस लोकसभा चुनाव में इससे भी बड़ा कमल फूल के साथ अपने प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी को जिताने का काम करेंगे। और आप निश्चिंत रहें कि हदेव कुल जनता आपको आशीर्वाद देने आई है कि ढुल्लू महतो जी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत लोकसभा चुनाव का हमारे राज्यसभा सांसद जी श्री डब्ल्यू महतो जी अंग बस के साथ अपने जी को मधुरेंद्र गोस्वामी जी जो अंबिका झ्वास जी, चंद्रशेखर जी और सम्मानित जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी घनश्याम ग्रोवर जी, सभी लोग मिलकर एक गुलदस्ता भेंट करेंगे। गुलदस्ता डब्लू जी गुलदस्ता लाइए, डब्लू जी मधुरेंद्र जी गुलदस्ता लाइए, जिलाध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी, अंबिका झ्वास जी गुलदस्ता भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ढुल्लू महतो जी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ के विधानसभा के भी सजाना है कि नहीं सजाना। औरंगजेब का समय में औरंगजेब ने कृष्ण का जन्मभूमि का ऊपर ही शाही ईदगाह बनाया था। आज हिंदुओं का मन में, भारतीय का मन में आज ये तमन्ना है कि हमारे कृष्ण का जन्मभूमि भी शाही ईदगाह से मुक्त किया जाए और वहां में भी कृष्ण जन्मभूमि होना चाहिए। ये हमारा सनातन। मैं आसाम से आया हूँ। आसाम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं, शक्ति का उपासना होते हैं और मैं मां कामाख्या का भूमि से आप लोगों को भी, सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, सुबह से मैं झारखंड में हूँ। सुबह हजारीबाग में सभा किया, फिर बाद में कोरोना में सभा किया। एक माहौल से पता चलता है कि झारखंड में अभी मोदी जी का लहर नहीं चल रहा है, झारखंड में मोदी जी का सुनामी चल रहा है। आज का दिन मैं ठीक बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? यहाँ में तो लहर सब कम होगा, लेकिन झारखंड का जो हवा है उससे मुझको पता चलता है कि झारखंड में आज का समय में मोदी जी का सुनामी यहाँ पे चल रहा है और सारे सीट हम लोग जीतने वाला हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। भाई और बहनों, हमारे धनबाद सीट में ढुल्लू महतो बाबा बजरंगबली के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। हम तेजी से 400 सीट तक आगे बढ़ रहा है और मेरा अपना विश्वास है कि हम 400 सीट पार कर लेंगे। और झारखंड में तो हम लोग सेंचुरी मारने वाला हो, 100 में 100 सीट जीतने वाला। हमारा लगता है कि हम अपना लक्ष्य का और अग्रसर। राहुल जी 1 लाख रुपया देने वाला जो बात बोल रहा है, जहाँ कांग्रेस का शासित प्रदेश है वहाँ कितना दे रहा है, हिमाचल में कितना दे रहा है, आज कर्नाटक में कितना दे रहा है, तेलंगाना में कितना दे रहा है। झूठ बोलने का बाजार खोल के रखा हुआ अभी क्या लगता कांग्रेस? अभी कांग्रेस क्रिकेट टीम तक पहुंच जाए। सर, झारखंड में आपको कैसा लगा? झारखंड में हवा पूरा कैसा लगा? बहुत अच्छा है। झारखंड का हवा ही बीजेपी का हवा है। आप लोग आगे सटिए, आगे सटिए, आगे सटिए, आप लोग चलो चलो आगे सटिए, आगे सटिए आप लोग। अच्छा।